Students, welcome back. How's everybody? So I hope everybody is good. So guys, today in this video we are going to discuss about the various terms that are used in your economics and your banking sector. Plus ये SSC में भी पूछी जाती हैं, हर जगह सारे एग्जाम्स में ये जो टर्म्स जो हैं वो पूछी जाती हैं. एंड दिस टर्म्स आर एसेट्स, लाइबिलिटीज, इक्विडिटी, लिक्विडिटी, इंसॉल्वेंसी. कई बार आपने सुना होगा जो बैंक है उसने अपने आप को जो है बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया है, या आदमी ने अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया है, अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया है, किसी कंपनी जो है वो अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर देती है. तो वो कंडीशन कब जनरेट होती है उस कंपनी के लिए, उस टाइम में क्या होता है, कब वो जो है इंसॉल्वेंसी की कंडीशन उसके पास जनरेट हो जाती है. तो लेट्स गेट स्टार्टेड, देखते हैं कब किस केस में इन सारी टर्म्स का मतलब होता क्या है. ओके, तो पहली चीज जो हम देखते हैं ये होती है आपकी एसेट्स. पहले डिस्कस करते हैं एसेट्स क्या होते हैं. देखिए, मान लो आप एक व्हीकल ओन करते हो जो कि आपका 2 लाख रुपए का है, आपके पास घर है जिसकी कुल कीमत 3 लाख रुपए की है. ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, प्लीज डोंट माइंड कि भाई इतना कम आपने वैल्यू लिए है, सिर्फ आपको समझाने के लिए है ये, ठीक है. सो आप व्हीकल एक ओन करते हो जो आपकी 2 लाख रुपए की वैल्यू है, एक आपके पास घर है 3 लाख रुपए का वो घर है, कुछ कैश आपके पास है इन हैंड जो कि है आपका 1 लाख रुपए का, फिर फार्म हाउस आप ओन करते हो ये 6 लाख रुपए का है. तो इसकी जो टोटल वैल्यू है आपके पास, टोटल वैल्यू ये है आपकी 12 लाख रुपए की. तो जो टोटल एसेट्स हैं आपके पास ये हैं आपके 12 लाख रुपए के, जो भी आप ओन करते हो. मान लो इसके अलावा आपके पास कुछ खेत भी हैं जिसकी वैल्यू 10 लाख रुपए की है, तो उस वो भी इसमें ऐड हो जाएंगी. जितनी भी चीजें आप ओन करते हो उन सबकी वैल्यू मिला के ये होते हैं आपके एसेट्स. नाउ कम टू लाइबिलिटीज. व्हाट आर लाइबिलिटीज? लाइबिलिटीज वो चीज होती है, जैसे कि मान लो आपने पढ़ाई करी, पढ़ाई करने के बाद आपकी एक बहुत अच्छी जॉब लग गई, जॉब करने के बाद आपने ये व्हीकल लिया, ये होम लिया, ठीक है, फार्म हाउस ले लिया. अब इस व्हीकल को लेने के लिए आपने व्हीकल लोन ले लिया, होम को ये जो आपका घर है इसको बनाने के लिए आपने हाउस लोन ले लिया, देन फार्म हाउस को ओन करने के लिए भी कुछ आपने पर्सनल लोन ले लिया, जब आप पढ़ रहे थे आपने एजुकेशनल लोन ले लिया. तो बेसिकली जितने भी आप लोन लेते हैं वो आ जाते हैं आपके लाइबिलिटीज में, ठीक है. लाइक दिस इज एजुकेशन लोन. एजुकेशन लोन मान लो आपने 2 लाख रुपए का ले रखा है, होम लोन आपने 2 लाख का ले रखा है, पर्सनल लोन 1 लाख का, व्हीकल लोन 2 लाख का. तो इसको टोटल करके कितना आया, ये 7 लाख, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 लाख जो है आपकी 7 लाख की लाइबिलिटी है आपके पास, ठीक है, 7 लाख आपकी लाइबिलिटीज है. अब जब हम नेट वर्थ आपकी कैलकुलेट करेंगे या किसी भी कंपनी की हम नेट वर्थ को कैलकुलेट करते हैं, तो दैट इज टोटल एसेट्स माइनस में लाइबिलिटीज, टोटल एसेट्स में माइनस में टोटल लाइबिलिटीज. फॉर एग्जाम्पल यहाँ आपने देखा कि एक आपके जो है टोटल एसेट्स कितने के हैं, 12 लाख रुपए के आपके टोटल एसेट्स हैं, ठीक है. इधर आप देखते हैं कि आपकी लाइबिलिटीज जो है ये 7 लाख रुपए की है, 7 लाख रुपए की है, 5 लाख रुपए आपके जो है, 5 लाख की आपकी अभी फिलहाल जो है वो नेट वर्थ है. नेट वर्थ फिलहाल है आपकी 5 लाख रुपए की, और इसी को हम बोलते हैं, दिस इज ओनली कॉल्ड इक्विटी, ठीक है. इक्विटी भी हम इसी को बोलते हैं, टोटल एसेट्स माइनस में टोटल लाइबिलिटीज. अब किसी भी कंपनी की या किसी की भी हालत ठीक होने के लिए आपकी जो ये टोटल एसेट्स हैं ये टोटल लाइबिलिटीज से ज्यादा होने चाहिए. इन केस ऐसा होता है कि जो आपकी लाइबिलिटीज हैं, ठीक है, लाइबिलिटीज हैं आपकी, वो टोटल एसेट्स से, टोटल एसेट्स से ज्यादा हैं. फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये आपका 12 लाख रुपए के तो टोटल एसेट्स हो गए, ठीक है, 12 लाख के टोटल एसेट्स हैं, और आपने 15 लाख रुपए का टोटल जो है वो लोन ले रखा है, 15 लाख का लोन ले रखा है, तो माइनस 3 लाख आपकी नेटवर्थ हो गई, नेटवर्थ आपकी माइनस 3 लाख है. इस केस में क्या होता है कि जो आप हो, आपकी कंपनी की हालत जो है वो ठीक नहीं है, और हमें हमारी एक इंसॉल्वेंसी की कंडीशन जो है जनरेट हो जाती है. सॉल्वेंसी क्या होता है आपका, देखिए, जो ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन होती है आपकी, ओवरऑल जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है उसको बोलते हैं सॉल्वेंसी. अब यहाँ पर इंसॉल्वेंसी की कंडीशन जनरेट हो जाएगी, इंसॉल्वेंसी की, क्यों,
क्योंकि आपके जो लायबिलिटीज हैं, जितना आपको लोन चुकाना है और जितना आपके एसेट्स हैं, उन एसेट्स को बेचकर भी जो है आप इतने का लोन नहीं चुका पाओगे, तो इस केस में आपकी एक इंसॉल्वेंसी की कंडीशन जो है आपकी जनरेट हो जाएगी। और जो है, और जब कोई ऐसी कंडीशन जो है जब जनरेट हो जाए, जब सारी लायबिलिटीज भी पे करके आप सारी एसेट्स को भी जो है बेच करके अपना वो नहीं डिक्लेयर कर पाते लायबिलिटीज को पे, उसी केस में आपकी बैंक, उस केस में जो है कंपनी को या आपको बैंकरप्सी की कंडीशन जो है डिक्लेयर करनी पड़ेगी। ठीक है, तब होगा आपका बैंकरप्सी की कंडीशन जनरेट कि हाँ हम इस लोन को अब बेच नहीं सकते, नहीं जो है पे कर सकते। इसी केस को हम बोलेंगे सॉल्वेंसी, आपकी ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन ठीक है क्या है। अब देखिए, सॉल्वेंसी आपको पता चल गया, आपको ये भी पता चल गया इनसॉल्वेंसी क्या होती है। अब ये लिक्विडिटी क्या है, लिक्विडिटी डिस्कस करते हैं हम। ठीक है, अब लिक्विडिटी में पहले, सबसे पहले देखते हैं क्या होगा क्या नहीं, बट एक और एग्जाम्पल हम इसमें ले लेते हैं। मैं इसको रब कर देती हूँ और फिर आपको और अच्छे से कुछ दो चार चीजें और समझाती हूँ। ठीक है, देखिए मान लीजिए ये सारे आपके एसेट्स हैं। ओके, एसेट्स हैं आपके, अब ये आपका सारे के सारे लोन्स हैं जो आपने, लायबिलिटीज जो हैं आपने, जो लोन्स हैं आपने ले रखे हैं। अब एक कंडीशन ऐसी आई बाई चांस, मान लीजिए कि किसी कंडीशन में, देखिए किसी कंडीशन में ये जो आपका फार्म हाउस है, 6 लाख रुपए का जो आपका फार्म हाउस है, इसको सील कर दिया जाए। ठीक है, ये हो गया सील आपका। तो फिलहाल आपके पास टोटल एसेट्स बताइए कितने के बचेंगे, 2, 3, 4, 5, 6 लाख रुपए के आपके टोटल एसेट्स फिलहाल बच जाएंगे। क्यों? क्योंकि फार्म हाउस आपका सील हो चुका है और इससे आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। अब आपके जो एजुकेशनल लोन है, लोन्स तो आपके उतना ही रहेंगे। ये तो है नहीं कि भाई जो बैंक वाले हैं कहेंगे चलो जी आपका फार्म हाउस जो है सील हो गया है, हम अपने लोन, आपके लोन को कम कर देते हैं। लोन तो आपका इतना भरना ही पड़ेगा, है ना, व्हीकल लोन भी देना है, पर्सनल होम लोन भी देना है और एजुकेशन लोन भी देना पड़ेगा, देना है आपको। तो इस केस में क्या हुआ है, आपका एसेट्स जो है आपके लायबिलिटीज से कम हो गए, एसेट्स जो है आपके लायबिलिटीज में, लायबिलिटीज से कम हो गए, ऐसे में भी जो है आपका बैंकरप्सी की कंडीशन जो है डिक्लेयर हो जाती है। अब मान लो इन फ्यूचर ऐसा भी हो गया कि जो ये आपके होम है, जो घर है, इसकी भी कीमत जो है आगे जाके कम हो गई। ठीक है, इतने का आपने लोन ले रखा था लेकिन आपकी इसकी कीमत भी जो है कम हो गई, उस केस में भी आपके एसेट्स जो है उसमें फर्क आ जाएगा, एसेट्स आपके टोटल एसेट्स कम हो जाएंगे आपकी लाइबिलिटीज से, तब भी जो है आपकी एक इंसॉल्वेंसी की कंडीशन जो है वो जनरेट हो जाती है। ठीक है, आई होप आपको सॉल्वेंसी और इंसॉल्वेंसी में फर्क पता चल गया होगा। जो ओवरऑल आपकी फाइनेंशियल पोजीशन होती है उसको बोलते हैं हम सॉल्वेंसी। चलिए लिक्विडिटी डिस्कस कर लेते हैं कि लिक्विडिटी क्या होता है। देखिए सर, हमने ये देख लिया था हमारी जो एसेट्स हैं, हमने एक व्हीकल ले रखा है, होम है हमारे पास, कैश है, फार्म हाउस है, टोटल आपकी 12 लाख रुपए की जो है आपकी एसेट्स हैं। यहाँ पर हमने देखा था कि 7 लाख रुपए की आपकी लायबिलिटीज हैं। देखिए, अब भगवान ना करे कभी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपकी जो है जॉब चली जाए, ठीक है, आपकी जॉब चली जाए और आपने क्या कर रखा है, ये जो एजुकेशन लोन है ये आपने 1 साल के लिए जो है, आपने ये 2 सालों के लिए ले रखा है एजुकेशन लोन। ठीक है, ये जो होम लोन है ये आपका 3 साल के लिए है, आपका पर्सनल लोन है, या आप ये लगा लीजिए यहाँ पर आपको एजुकेशन लोन भी जो है 1 साल में भरना है, ये होम लोन जो है आपका 3 साल के लिए, 3 साल में आप भरेंगे इसको, पर्सनल लोन भी आपको 1 साल में पे करना है, देन आपने व्हीकल लोन ले रखा है जो कि आपको 2 साल में भरना है। ठीक है, व्हीकल लोन भी है जो आपका, आपका 2 साल में आपको इसको भरना है। अब देखिए इस कंडीशन में क्या होता है, पहली चीज लिक्विडिटी होती क्या है, आपकी जो शॉर्ट टर्म एसेट्स हैं, आपके जो शॉर्ट टर्म एसेट्स हैं, देखिए अगर आपकी जॉब चली जाती है, ठीक है, इस केस में क्या होगा, बैंक आपसे कहेगा कि आप जो ये पर्सनल लोन है इसको फौरन पे करिए और इस एजुकेशन लोन को फौरन पे करिए, क्योंकि ये आपको 1 साल के अंदर अंदर जो है पे करने हैं। ठीक है,
फिर आपने क्या देखा, इधर की तरफ एसेट्स की तरफ देखा। एसेट्स में आपकी ऐसी क्या चीज है जो 1 साल के अंदर बेची जा सकती है? व्हीकल आपका लोन पे है, आप इसको भी बेच नहीं पाएंगे। होम, आप घर भी 1 साल में बेच नहीं पाएंगे, वहां से भी पैसा नहीं मिलेगा। अब आपका फार्म हाउस जो है वो हमने मान लो आपका सील ही हो गया, ये भी आप नहीं बेच सकते। अब आपके पास जो टोटल एसेट्स हैं फिलहाल, जो आपके 1 साल के अंदर बेच के आप उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, वो है ये 1 लाख रुपए का, ठीक है, 1 लाख रुपीज। अब ये है आपके शॉर्ट टर्म एसेट्स, शॉर्ट टर्म एसेट्स हैं आपके पास 1 लाख रुपीज के, लेकिन जो आपको लोन पे करना है फिलहाल 1 साल के अंदर अंदर, जो लोन है आपका 1 साल के अंदर अंदर, वो है आपका 4 लाख रुपए का, आई एम सॉरी 3 लाख रुपए का, क्योंकि 1 साल के अंदर पर्सनल लोन देना था आपको, 1 साल के अंदर एजुकेशनल लोन देना है, तो ये है आपका 2 लाख रुपए का, ठीक है। अब इसमें जब हम शॉर्ट टर्म एसेट्स में से शॉर्ट टर्म जो है लाइबिलिटीज माइनस करेंगे, तो माइनस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। इस टाइम पे भी जो है आपकी, समझ जाइए कि कंपनी की हालत, अगर शॉर्ट टर्म एसेट्स शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज से कम हो जाए, तो भी समझ जाइए कि उस कंपनी की हालत ठीक नहीं है, ठीक है। कोई भी अगर कंपनी होती है तो उसके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही जो है दोनों की नेटवर्क जो है, हालत जो है ठीक होनी चाहिए। शॉर्ट टर्म में भी उसकी हालत ठीक होनी चाहिए कंपनी की, और लॉन्ग टर्म में भी। अब लिक्विडिटी क्या है आपकी, देखिए, जो भी आप एसेट्स 1 साल के अंदर बेच के कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें से जितना भी हम एसेट 1 साल के अंदर, लेस देन वन ईयर में कन्वर्ट कर सकते हैं एसेट्स को बेच के, और हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, उससे बोलते हैं हम लिक्विडिटी, ठीक है। और जो 1 साल के अंदर जो भी लाइबिलिटीज आपको भरनी है, उसे बोलते हैं हम शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज होती है जो भी लाइबिलिटीज आपको 1 साल के अंदर अंदर, less than within 1 year आपको भरनी है, उसको आप बोलोगे लाइबिलिटीज, ठीक है। आई होप आपको इक्विटी समझ में आ गया होगा, आपकी सॉल्वेंसी समझ में आ गई होगी, लिक्विडिटी समझ में आ गई होगी। लिक्विडिटी इज ओवरऑल फाइनेंस, सॉल्वेंसी इज ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन, बट लिक्विडिटी में क्या होता है, ये आपका जो है 1 साल में जितनी भी आप चीजें जो है बेच के आपको जो टोटल निकलता है आपको, उसको बोलते हैं लिक्विडिटी, ठीक है। जैसे कि नेटवर्थ में मतलब टोटल शॉर्ट टर्म जो आपके एसेट्स की वैल्यू है, माइनस में टोटल शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज की वैल्यू है, उस केस में आपकी लिक्विडिटी जो है जनरेट हो जाएगी। अब जो है आपकी लिक्विडिटी रेशियो है और सॉल्वेंसी का रेशियो, लिक्विडिटी के भी कई सारे रेशियो होते हैं, जैसे क्विक रेशियो, कैश रेशियो, करंट रेशियो, एंड सॉल्वेंसी के हो गया आपके डेबिट सर्विस कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, डेबिट रेशियो, डेबिट टू इक्विटी रेशियो। तो अभी फिलहाल जो इस स्लाइड में था, इसमें बेसिकली वीडियो में मैंने आपको समझाया है कि ये सारी टर्म्स का मतलब क्या होता है, एक एग्जांपल देके समझाया, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि कब किस केस में बैंकरप्सी डिक्लेयर हो सकती है, ये इक्विटीज क्या होते हैं, एंड एसेट्स लायबिलिटीज, आपकी सॉल्वेंसीज, लिक्विडिटी, ये सब क्या होती है। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे सारे टर्म्स। इन केस कोई भी आपको डाउट आए, आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए कि मैम ये डाउट है, ठीक है। तब तक के लिए पढ़िए एंड टेक केयर।